हाय एंड हेलो, दिस इज तेज। वेलकम बैक टू द क्लास। हो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ये जो दो विन दिया हुआ है, जो दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, यानी कि कंपेयर करना फ्रैक्शंस का। सबसे बड़ी आपको देखिए इस तरह से सवाल दे दिया जाता है, यहाँ पे तीन चार पाँच विन दे देगा, तीन चार पाँच फ्रैक्शन दे देगा, उसके बाद आपसे पूछेगा इसमें से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना कई बार डाउट होता है, बच्चों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसानी से शॉर्ट ट्रिक की मदद से यह पता करेंगे कि इसमें से सबसे छोटी विन और सबसे बड़ी विन कौन सा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब क्लास एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको कंपेयर करने पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि इस दोनों में कौन सबसे बड़ी विन है। तो देखिए क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। अब बताइए 28 बड़ा है या 10, तो ये तो ईजिली बता सकते हैं 28, तो ये वाला विन जो है, ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर है इससे। समझ में आया? देखिए अब इसमें क्या करना, उसी तरह से 9 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, ये वाला 9 का इस 7 से करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और नीचे नहीं लिखना है नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। 9 7 जाए कितना होता है 63, और 11 5 जाए कितना होता है 55। अब 55 बड़ा है या 63, तो आपको पता है 63, तो ये वाला भी बड़ा हो गया, ठीक है ना, है ना कितना आसान सा ट्रिक। अब इसमें देखिए क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई इस 2 से तो कितना होगा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 24। कौन सा बड़ा हुआ, तो ये वाला 24 बड़ा है, तो ये वाला भी ग्रेटर है इससे, है ना। इस ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है, 9 का मल्टीप्लाई इस 11 से करेंगे कितना आएगा 99, और इस 15 का 5 से करेंगे कितना आएगा 75। अब आप बताइए 75 ग्रेटर है या 99, 99, तो ये वाला भिन्न हो गया ग्रेटर, ठीक है, समझ में आया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस चैनल वीडियो को और शेयर कीजिएगा। देखिए इस 5 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे कितना आएगा 55, 11 13 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा 26, तो ये वाला भिन्न ग्रेटर है ना। अब यहाँ पे ये तो और भी आसान है, पूछिए कैसे, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, देखिए 15 है 15 है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, अब देखिए 9 बड़ा या 7, तो 9 बड़ा, तो ये आंसर हो गया, सिंपल सी बात है, इसमें तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखते के साथ आप आंसर बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे देखिए 2/5 हो गया, और यहाँ पे 3/5 हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए 7/5 हो गया, तो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे का टर्म देखिए तीनों में इक्वल है ना, इसका मतलब ये तीनों क्या है, ये तीनों है लाइक फ्रैक्शन, और इसका उल्टा होता है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2/5 है, 3/7 है, 3/9 है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट है ना डिनोमिनेटर, तो ये सब हो गया क्या, ये सब हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। समझ में आया आपको, इसी तरह से आप बहुत ही आसानी से ये बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉल है। कई बार आपको कंपेयर करने भी दे दिया जाता है तीन चार भिन्न, जैसे 2/3 है, 5/6 है, 2/11 है, 3/9 है, इस तरह से दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछेगा इसमें से सबसे ग्रेटर कौन है, स्मॉल कौन है, तो इसी मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं, छांट सकते हैं, ठीक है। पहले ये दोनों को कंपेयर कीजिए, फिर इसको कीजिए, फिर इसको कीजिए, इस तरह से पता करके बहुत ही आसानी से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।